डाउन है वो निकाला जाए। बल जी यहाँ पे डेंजर के पास मौका है, ये लीजिए मौका मिलेगा डेंजर को, उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करेंगे। नॉक किया ना पुशन करते हो फिलहाल के लिए, जरूर से नजर आ रहे वन नॉक पुशन काफी ज्यादा अग्रेसिव मूव, बट वही से पीछे से कवर फायर भी अभी आ जा रहा है डेंजर का, यहाँ पे सर्वाइवल काफी मुश्किल। एक बेहतरीन ग्रेनेड प्लेस वाइटी के ऊपर जाएगा जरूर से, बट आई बिलीव सामने से काउंटर ग्रेनेड आता नजर आएगा, सामने एक स्मोक भी नजर आ रहा है। क्या ये जो एक ओपनिंग नॉक है वो टीम आइटर डेंजर के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल अभी के लिए फिलहाल देखने वाली बात रहेगी स्कार, देखिए अच्छी पोजीशनिंग में दिखा देंगे अवेल, एक बार वापस से कर दिए जाएंगे टेक डाउन। डेंजर फियर्स नोवा किंग पूरी तरीके से ऑल इन अटैक के साथ मूव ऑन करेंगे। गॉडल बाबा की बात करेंगे यहाँ पर जो स्टेयर्स के ऊपर टीपीपी एंगल्स का एडवांटेज ले रहे हैं, बट ग्रेनेड्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी। बाबा यहाँ पर जो मुझे लगता है डेंजर के माइंडसेट में ये है कि यहाँ पर भी भैया देखिए कोई ना कोई यहाँ पर जो है सेटअप रहने वाला है। बिल्कुल एक क्रॉस एयर में जो सेटअप है वो दिखाई देगा, लेकिन गॉडल बाबा कहाँ पर रिवाइवल दे रहे हैं। बिल्कुल चलिए रिवाइवल प्रोसीजर कर दिया जाएगा, लेकिन स्कार को काफी ज्यादा हद तक जो है लो ऑन हीलिंग कर दिया है। ग्रेनेड्स बरसाए जा रहे हैं, फ्री फायर्स का सिलसिला रहेगा जारी, पूरी तरीके से एक्शन पैक ये फाइट रहेगी, लेकिन स्मोक डिप्लॉय होंगे, तीसरे जोन का श्रृंक आना चालू होगा, बैक टू बैक स्मोक्स करने जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने अपोनेंट्स का जो पीओवी है वो ब्लॉक करा जाए। यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होगी, रेशर 11 टीम्स 39 प्लेयर्स जरूर से देखने को मिल रहा है, एंड डिफिकल्टीज जैसे जैसे जोन छोटा होगा, जैसे जैसे प्लेयर्स और ज्यादा क्लोज आएंगे वैसे वैसे और बढ़ती नजर आएगी। बट टीम नंबर 10 वर्सेस टीम नंबर 5 के जो ये फाइट है, डेंजर बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते हुए जरूर नजर आ रही है, चीज से काफी ज्यादा चैलेंजिंग अभी कहीं ना कहीं देखने को जरूर से मिलेगा। एक मौका और एनटीटी के क्वीन वाइटी को स्पॉट कर लिया गया फियर्स के द्वारा, लेट्स सी कि क्या ये मौका को इस्तेमाल कर सकता है डेंजर एट द अदर पॉइंट। यहाँ पे नजर आ रहे बैक टू बैक कोशिश नहीं रह रही है टीम आइटर डेंजर की, बट ये लीजिए ये काफी बेहतरीन क्रिएशन एंगल क्रिएशन देखने को मिला फ्यूअर्स की तरफ से, द नेम जस्टिफाई दिस प्लेयर क्वाइट नाइसली, कोई एंटिटी क्वीन वाइट के लिए मुश्किल है। आखिरी प्लेयर सर्वाइविंग फ्यूअर्स इज कमिंग विद दैट फिनोमिनल 1v2 क्लच एंड टीम हाइटर डेंजर 5 फिनिशर्स पॉइंट के साथ इस फाइट को काफी बेहतरीन ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहां पर बोला जाएगा वन अप या फिर यहां पर आगे मूव ऑन करना चाहते हैं एक्सो फियर्स स्टिल टीपीपी एंगल्स का करेंगे इस्तेमाल, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सी वो टीम होगी जो इस मैच को जीतेगी। बट एक्सोफियर्स एक बार फिर से ईस्ट स्टार से काइलो को करा जाएगा टेक डाउन, एक्सोफियर्स के द्वारा एप्री को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। आई थिंक सो ये गेम टीम स्कार बहुत आसानी से जो अपने नाम है वो ले जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।